हेलो ऑल एंड वेलकम टू कॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं हमारा पेपर नंबर 1 और इस पेपर नंबर 1 में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोस्टेसी और फिर हम लोगों ने आगे माउंटेन बिल्डिंग एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जियोमैग्नेटिज्म का टॉपिक है। हालाँकि मोरलेस ये जीएस में कवर किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जिसको कि हम लोग अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस अलग से भी डिस्कस करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं इसी डिस्कशन को, इस जियो मैग्नेटिज्म के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट, लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब वेयर यू कैन सब्सक्राइब फॉर दीज कोर्सेज। दीज आर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज कोर्स एंड एडवांस ज्योग्राफी कोर्स, जिसके लिए 5 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी लोग 2020 मेंस देने वाले हैं या फिर फीलिंग कॉन्फिडेंस इन द बेसिक्स, दे कैन ऑब्वियसली सब्सक्राइब फॉर दिस। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल पर अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट मिल सकती है। सिलेबस वाइज ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मेनी मोर टॉपिक्स, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं हमारा जो ये जियो मैग्नेटिज्म का टॉपिक है। दिस इज़ द जियो मैग्नेटिज्म टॉपिक। हालांकि इसको हम लोगों ने जीएस के सेक्शन में कवर कर रखा है, फिर भी हम लोग इसके बचे हुए पोर्शन को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है फ्लक्चुएशन इन अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिज्म है, ये बात पता है आपको। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्रस्ट। जैसे क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में, मतलब सॉरी क्रस्ट नहीं, कोर में, कोर में आपके दो पोर्शन होती है। एक होती है जो इनर कोर होती है और दूसरी होती है जो आउटर कोर होती है। आउटर कोर लिक्विड होती है और इनर कोर सॉलिड होती है। इस कारण से यहाँ पर एक रिलेटिव मोशन होता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अलाइन हो जाने के कारण से यहाँ पर एक जियो मैग्नेटिज्म आ जाती है। ये जो जियो मैग्नेटिज्म है, ये हालांकि ऐसे तो यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ही लार्ज टाइम स्केल के लिए अगर कंसीडर करेंगे, मिलियंस ऑफ द मिलियंस ईयर्स के लिए अगर आप इसे कंसीडर करेंगे, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, बल्कि इसमें वेरिएशन हमें देखने को मिला हुआ है। तो हमें वेरिएशन देखने को मिलता है इस जियो मैग्नेटिज्म के टॉपिक में। और ये जो वेरिएशन है बेसिकली वो 3 तरीके का होता है। एक होती है जहाँ पर फ्लक्चुएशन इन द लोकेशन ऑफ द पोल्स होती हैं, यानी जो पोल की लोकेशन है वो चेंज हो रही होती है। सेकेंड, फ्लक्चुएशन इन द इंटेंसिटी, जहाँ पर अर्थ की जो इंटेंसिटी है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हुई हैं। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सेम वैसे ही इधर भी होंगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड की एक स्ट्रेंथ जाननी है, तो आप वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, यू विल गेट द डायरेक्शन एज वेल एज द इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी आपकी कुछ कुछ पॉइंट्स पे वीक होती हुई या फिर स्ट्रांग होती हुई, मतलब कि एक फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली है। और ये भी अगेन हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं जियो मैग्नेटिज्म में वेरिएशंस आ रही हैं। तीसरी जो वेरिएशन आती है वो आती है मैग्नेटिक फील्ड इज नोन टू बी रिवर्स फ्लिप विद द पोलैरिटी बिकमिंग एग्जैक्टली अपोजिट। अब जैसे क्या है कि जहाँ पर नॉर्थ है वहाँ पर साउथ चला गया और जहाँ पर साउथ है वहाँ पर नॉर्थ चला गया है, तो इस तरीके से भी रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी हो जाती है। हालांकि ये इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर 75 मिलियन ईयर्स के बारे में बात करें तो ये 170 टाइम्स रिवर्सल नोट किया गया है, या अगर पिछले 4 मिलियन ईयर्स के बारे में देखें तो ये 4 बार रिवर्सल लगभग हो चुकी है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 4 मिलियन ईयर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं है, इनफैक्ट तपस्वी भी इतना जीवित नहीं रहा होगा, तो फिर हम कैसे इस पूरे के पूरे पोर्शन को इतना क्लियरली बोल पा रहे हैं? एक्चुअली द थिंग इज कि जो हमारी रॉक्स होती हैं, रॉक्स में हमारे कई सारे मिनरल्स होते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं इसमें आयरन भी होता है। आयरन मैग्नेटिज्म के तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब ये अपनी जो है एक अलाइनमेंट कर लेता है। इस अलाइनमेंट के कारण से अब लोहा है, तो लोहा सीधी सी बात है जहाँ पर भी मैग्नेटिज्म आएगा वहाँ पर अपनी पोजीशन को ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर ही लेगा। वहाँ पर एक अट्रैक्शन आ जाएगी या फिर रिपल्शन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो रॉक है, रॉक के पार्टिकल वो उसमें जो भी आयरन होंगे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। सपोज दिस इज द डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, लेकिन अब ज़रूरी तो है नहीं कि यही वाली रॉक हमेशा बनी रहेगी। समय के साथ में कई सारे वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, इसके अलावा जो भी रॉक्स हैं वो कंटिन्यूस इरोजन भी हो रही है, साथ ही साथ में कंटिन्यूस डिपोजिशन भी हो रही है, इसके अलावा आइसोस्टैटिक बैलेंस भी हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट फोल्ड माउंटेन्स भी बन रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा जो रॉक सिस्टम है या फिर कह लीजिए कि जो ये फोल्ड माउंटेन या लैंडफॉर्म सिस्टम है वो लगातार चेंज होते रह रहा है। अब चेंज होने के कारण से क्या होगा कि ये जो रॉक हैं इसके ऊपर लेयर्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब जब लेयर्स आएगी तो सीधी सी बात है, ज़रूरी तो है नहीं कि मैग्नेटिक कैरेक्टर एक ही बना हो, वो बदल भी सकता है। अब एक रॉक में जो आयरन का जो भी लोहे का जो भी डायरेक्शन है वो तो फिक्स हो गया, वो ट्रैप हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रॉक आ रही है, नेक्स्ट वेरिएशन जो आ रहा है वो नए वाले रॉक में ट्रैप हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम इस तरीके से ट्रैपिंग हो जाएगी। अब जब हम एक्सकेवेशंस करेंगे एंड वी मॉनिटर द रॉक एंड इट्स मिनरल जो भी अलाइनमेंट है, अगर उस मिनरल के लोहे के अलाइनमेंट को चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर में यहाँ पर किस तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस समय की रही होगी। अब समय कैसे निकालेंगे? समय निकालने के लिए हमारे पास कार्बन डेटिंग है, तो उसके थ्रू हम समय भी निकाल सकते हैं। तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली कि एक एक्सपेक्टेड ईयर और एक्सपेक्टेड रिवर्सल या एक्सपेक्टेड वेरिएशन हम जो है इस रॉक पार्टिकल के थ्रू निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये जो पूरा लास्ट 4 रिवर्सल्स हुए हैं इसके कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। अब 170 के नाम रख पाना दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क। इनफैक्ट जो नाम रखने वाला भी होगा वो भी कहेगा 170 टाइम्स क्यों रखें यार। तो लास्ट 4 के रिवर्सल के नाम रखे गए हैं, जैसे फर्स्ट नेम इज ब्रून्स नॉर्मल या ब्रून्स रिवर्सल, सिमिलरली मातुयामा नॉर्मल या फिर मातुयामा रिवर्सल, सिमिलरली गॉस रिवर्सल या गॉस नॉर्मल या फिर गिलबर्ट रिवर्सल। तो ये बेसिकली लास्ट 4 रिवर्सल्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा और ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। इसके अलावा हमारे एक साहब हैं जिनका नाम है सर विलियम गिलबर्ट, नाम याद रखिएगा इनका भी, इन्होंने जियोमैग्नेटिज्म की थ्योरी दी हुई है। इन्होंने कहा कि देखिए जो अर्थ है बेसिकली वो एक बार मैग्नेट के तरीके से काम करती है। अब ये जो बार मैग्नेट है या क्यों बार मैग्नेट है, किस तरीके से बार मैग्नेट बनी, यह हम लोग आउटर कोर इनर कोर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको हम लोग देख चुके हैं और हम लोग इस वीडियो में अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत ही डिटेल्ड बारे में चर्चा कर रखे हैं और जो भी कोर के आपस में रिलेटिव मोशन है उसके कारण से जो भी जियो मैग्नेटिज्म आ रही है उसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर किसी को डाउट होगा तो ऊपर आई बटन बन के आ रही होगी उसको देख सकते हैं, या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो यू कैन वॉच एंड यू कैन गो थ्रू विद दिस वीडियो। दिस इज़ द जनरल पार्ट, जनरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी जो कि आपके जनरल स्टडीज़ में काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी पैलियोमैग्नेटिज्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में लगातार ये पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा और इस पर एटलीस्ट 300 वर्ड का एक आंसर तैयार करके रखिएगा क्योंकि किसी न किसी माध्यम में ये सवाल तो आता ही आता है। पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि ये एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? जो भी मैग्नेटिक रॉक है। पैलियो का मतलब होता है पुराना, दिस इज पुराना, ओल्डर, और मैग्नेटिज्म मतलब तो पता ही है आपको, चुंबकत्व हिंदी में बोला जाता है। तो ये जो पुराना ओल्डर मैग्नेटिज्म है, पुराना जो चुंबकत्व है, यानी कि जो ये इसकी प्रॉपर्टी है ओल्डर मैग्नेटिज्म की या मैग्नेटिक वेरिएशंस की, उसी को हम लोग पैलियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक रॉक या फिर मैग्नेटिक सेडिमेंट भी आप बोल सकते हैं क्योंकि लगातार इरोजन और सेडिमेंटेशन तो होती ही रही है। तो इससे क्या है कि रॉक्स में ट्रैपिंग हो जाती है या फिर जो भी मिनरल पार्टिकल है उसकी ट्रैपिंग हो जाती है, किसकी? मैग्नेटिक कैरेक्टर की। और इस मैग्नेटिक कैरेक्टर के स्टडी से हम जो ओल्डर मैग्नेटिक वेरिएशन है उसको देख सकते हैं, यानी कि आप इसे पैलियो मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। हालांकि कुछ रॉक ऐसे भी होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसके कारण से एक अलाइनमेंट आ जाती है, और इस अलाइनमेंट के कारण से हम फिर मैग्नेटिक जो कैरेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनको हम एक मॉनिटर या फिर कह लीजिए कि उसको हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फिजिकल थ्योरीज। इट इज़ कॉल्ड रॉक मैग्नेटिज्म, इसे ही रॉक मैग्नेटिज्म भी बोला जाता है। व्हेन रॉक्स रिकॉर्ड द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक सिग्नेचर ऑफ द रॉक अलाउ पैलियो मैग्नेटिस्ट टू डेट। तो बस यही है कि डेट जो कार्बन डेटिंग होती है उसके सहारे हम रॉक की जो एज है उसको निकाल लेते हैं, और उस रॉक में जो भी अलाइनमेंट हो रखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, उससे हम लोगों को मैग्नेटिक कैरेक्टर पता चल जाता है। तो दिस इज़ हाउ हम इस पूरे के पूरे मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द अर्थ को स्टडी करते हैं। पीसिंग टुगेदर, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मटेरियल है, सेडिमेंट्स हैं, उनको जब हम इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि आखिर में जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसकी वेरिएशन, मूवमेंट किस तरीके से आई है। वी नो फ्रॉम द रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड इन रॉक दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ फ्लिप्ड एंड रिवर्स इन द पार्ट्स। तो ये वेरिएशन जो है वो रिवर्सल की भी वेरिएशन हमें देखने को मिली है, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी अपने पुराने स्लाइड में देख लिए हैं। बेस्ड ऑन मैग्नेटिक रिकॉर्ड वी नो द लास्ट मैग्नेटिक पोल शिफ्ट अकर्ड 7,81,000 ईयर्स एगो। तो लगभग 7.5 साल पुराना मैग्नेटिक एक शिफ्ट चेंज हुआ है, रिवर्सल हुआ है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी रिसेंट में नहीं हुआ है और नहीं होने की संभावना है, लेकिन हाँ ये आपके लिए इस बार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द RSTV देयर वाज वन ऑफ द डिस्कशन वेयर रिवर्सल ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसको डिस्कस किया गया था। तो दिस इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल टॉपिक फॉर योर मेंस। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दे ऑल्सो फ्लक्चुएट इन स्ट्रेंथ, बस वही है स्ट्रेंथ का मतलब, इसकी इंटेंसिटी में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, और ये इंटेंसिटी कभी स्ट्रांग होती है और कभी वीक हो जाती है। और ये इसका रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है, अभी ऐसा कुछ भी खास पता हमें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड कन्वेक्शन करेंट्स एट द कोर। लेकिन अभी भी ऐसा अभी इस पर कोई खास कॉन्क्रीट स्टडी नहीं आई है, अभी ये केवल और केवल ये एक्सपेक्टेशन है, ये केवल और केवल एक तरीके से अजम्पशन आप कह सकते हैं कि जब हमें कोई नहीं आइडिया होता है तो दीज आर टू रीजंस, ये दो एक ऐसे कारण होते हैं जो कि आप हमेशा ही यूनिवर्सल कारण होते हैं, जिसको सदाबहार कारण भी आप बोल सकते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी सपोर्ट करती है। कैसे करती है, इसके हम लोग स्टडी को अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी केवल और केवल मैं इसे समझा देता हूँ, फिगर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो होती है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी सपोर्ट करती है। आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द रीज़न टू जस्टिफाई प्लेट टेक्टोनिक इज़ पैलियोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण से हमें अलग अलग टाइप की रिजेस मिल जाती हैं। ये जो रिज हैं बेसिकली वो कई बार हमें पैरेलल मैग्नेटिज्म मिलती है, लेकिन रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी मिलती है। यानी कि क्या चीज़ है ये सिस्टम, सपोज ये मान लेते हैं कि फर्स्ट रिज सिस्टम बनी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव पोल है, दिस इज़ निगेटिव पोल, दिस इज़ पॉजिटिव पोल एंड दिस इज़ निगेटिव पोल, तो जो नेक्स्ट पोल बनती है वो रिवर्सल है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। सिमिलरली इसी तरीके से आगे जब आएंगे तो फिर रिवर्सल हमें मिलती है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हमें मिलेगी, रिवर्सल है। तो ये जो सिस्टम है इस लाइन के लेफ्ट साइड में और लाइन के राइट साइड में जो हमें सिमेट्रिकल फिगर मिल रही है, ये भी अगेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमें सेटिस्फाई कर रहा है, बता रहा है कि ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण से हो रही है। तो फिलहाल हुआ क्या था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को जब बताया गया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हेस ने जब बताया था, उन्होंने इस चीज़ को वॉच किया था, उन्होंने देखा था कि रिज में इस तरीके की पोलैरिटी आ रही है, डिफरेंट टाइप और बदलती हुई पोलैरिटी आ रही है, लेकिन इनको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पूरी की पूरी थ्योरी को बताया गया, प्लेट मूवमेंट्स को दिखाया गया, तो वहाँ से इस पोलैरिटी चेंज का जस्टिफिकेशन सामने निकल करके आया, और इस जस्टिफिकेशन के बेसिस पे हम फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि दिस इज़ क्वाइट सिंपल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। तो बस यही चीज़ है कि आप इस 2 को जस्टिफाई कर रहे हैं एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके, और ये बता रहे हैं कि जो 2 वैल्यू है दिस इज़ एक्चुअली द करेक्ट वैल्यू है, सही वैल्यू है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि प्लेट टेक्टोनिक को यूज़ करके ही इस थ्योरी को बताई गई है, जस्टिफाई की गई है, और इस जस्टिफिकेशन के कारण हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अजम्पशन है यानी जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक है वो सही अजम्पशन है, यानी दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, और वो भी सही फैक्ट है। क्लियर? ओके, आगे अगर देखा जाए तो सी फ्लोर इज़ मोस्टली कंपोज ऑफ बसाल्ट and iron rich substance containing minerals that align with the magnetic field. They record the alignment of magnetic field surrounding the oceanic ridge, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा. Scientists studied the magnetic signature of the rock on the ocean floor and noticed some recorded opposite direction of magnetic field, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फोटो में दिखा रखा है. This likely occurred because magma rose from the ridge in the ocean floor, और ये फिर आगे स्प्रेड कर गया. स्प्रेडिंग के दौरान में जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस समय की थी उसके अकॉर्डिंग में मैग्नेटिक ये जो पोलैरिटी है वो डेवलप हो गई, और इस पोलैरिटी के डेवलप होने के कारण से हमें इस तरीके के सेक्शन मिल जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो गया? आगे देखेंगे. वन सेकेंड, लेट मी इरेज इट ताकि आपको दिखे. वी हैव ऑलरेडी लर्न सो मच अबाउट आवर प्लैनेट बाय स्टडिंग द अर्थ हिस्ट्री एंड मैग्नेटिक फील्ड हिस्ट्री थ्रू नेचुरल रॉक मैग्नेटिज्म. ऑल्सो एज paleomagnetists gather more information so we can continue to learn more about the planet's history. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं हमें ये स्टडी ऑफ द प्लानट के बारे में ही हेल्प करती हैं कि हमें किस तरीके से प्लानट पे क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे मूवमेंट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके थ्रू समझ लेते हैं. इनफैक्ट हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स चल रहे हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं दूसरे दूसरे प्लैनेट पे, बेसिकली वो हम अपने प्लैनेट को ही स्टडी करने के लिए अलग अलग एक्सपीडिशंस करके रखे हुए हैं. अगर हम लोग सन पे जा रहे हैं तो सन पे तो हम लोग एनर्जी के लिए जा रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि सोलर फ्लेयर क्या है, सोलर फ्लेयर के कारण क्या है, फोटोस्फीयर गर्म क्यों होती है, एंड ऑल दैट, इस तरीके की चीज़ें. न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में बेसिकली हम लोग वहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जो प्लैनेट्स पे या फिर जो हम सैटेलाइट्स पे अपने एक्सपीडिशंस करते हैं, अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं, वो बेसिकली हम लोग अपने ही प्लैनेट को स्टडी करने के लिए भेजते हैं. साथ ही साथ में हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर दूसरे प्लैनेट पर कुछ हमारे काम की चीज़ है तो भाई लेकर के आओ, यूज़ किया जाएगा. वी आर द पीपल्स हु ओनली कंज्यूम. सो दिस इज़ द थिंग. आगे अगर देखें तो देखिए, फॉसिल्स मैग्नेटिज्म ये एक एविडेंस भी है क्रिस्टल डायनामिज्म के लिए. यहाँ पर दो तरीके की थ्योरी लेते हैं हम लोग. एक है जो स्टडी ऑफ मैग्नेटिक अनोमलीज़ है, जहाँ पर हम लोग नॉर्थ पोल घूम रहा है यानी वैंडरिंग नॉर्थ पोल हाइपोथेसिस, एक थ्योरी ये है. दूसरी थ्योरी है बैंड्स ऑफ द रिवर्स पोलैरिटी, जिसको कि अभी हम लोगों ने ही फोटो में देखा हुआ है. ये तो फोटोग्राफ आप देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए, समझने की बात यह है कि दीज आर एक्चुअली द नॉर्थ पोल पॉइंट्स, जो कि देखिए घूम रहा है. एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब हम लोगों ने रॉक्स को देखा और इस रॉक्स के कारण से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब हम लोगों ने एक वर्ल्ड मैप पे लोकेट किया तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दो के कारण से हमें डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फोल लाइंस मिलती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाने के कारण से. और यहाँ पर हमें मल्टीपल नॉर्थ पोल एंड मल्टीपल साउथ पोल की कहानी मिलती है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये सही है या गलत है, क्या एक्चुअल में ऐसा है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या कई सारे बार मैग्नेट से मिलकर बनी हुई है या एक सिंगल बार मैग्नेट है? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट सामने आ गया था. और इस तरीके के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को ही ये लाइन्स के माध्यम से दिखाया गया है. यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये दो हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं. जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ यूरोप. ठीक है, यूरोप है ये, समझने की कोशिश करिएगा. ये अरब पेनिनसुला है, यहाँ पर देखिए मेडिटेरेनियन है, ये स्पेन है, यहाँ पर ये यूके है. तो ये एक तरीके से यूरोप है बेसिकली, जो कि अपने पैंगिया वाले टाइम पर कभी किसी समय पर रहा होगा. और दूसरा यहाँ पर ये है नॉर्थ अमेरिका, अगर आप पहचान सकते हो तो. यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ग्रीनलैंड, यहीं से लेब्राडोर निकलती है. तो यहाँ पर जो पोल्स थे, नॉर्थ पोल्स जो हैं बेसिकली उसको जब लोकेट किया गया तो आप देख सकते हैं कि दो लाइन मिली, मतलब ये एक नॉर्थ पोल की लाइन मिल रही है जो यूरेशिया के हिसाब से चल रही है और दूसरा जो है नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से ये नॉर्थ पोल वाली लाइन चल रही है। लेकिन अब सीधी सी बात है, ये एक तो पॉइंट ऑफ डिबेट बन गया कि यार ये क्या मल्टीपल आइटम्स हैं, क्या ये सीन क्या है। अब यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिली है हम लोगों को, उसमें ये दो लाइन तब खींची गई थी जब हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट्स के मूवमेंट को जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही हमें सिंगल लाइन मिल जाती है। और इस सिंगल लाइन से हमें एक चीज़ पता चल गई कि अर्थ की जो मैग्नेटिक पोलैरिटी या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो मूव तो कर रहा है बट वो सिंगल है। वो ऐसा नहीं है कि 10 है 15 है, सिंगल है बट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, खाली जो प्लेट मूव कर जा रही हैं या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर जा रहा है, इसके कारण से नॉर्थ पोल भी उसका ड्रिफ्ट कर रहा होगा और इस नॉर्थ पोल के ड्रिफ्ट करने के कारण से ही हमें इस तरीके की लाइंस मिल रही हैं। गेटिंग द पॉइंट। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा एविडेंस ऑफ बैंड्स ऑफ रिवर्स पोलैरिटी ऑन ईदर साइड ऑफ मिड ओशियनिक रिज, जिसको कि अभी हम लोगों ने देखा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेसिकली अटलांटिक ओशियन का एक पोर्शन है जहाँ पर हमें पैरेलल हमें इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से हमें मैग्नेटिक पोलैरिटी मिल रही है। तो देख सकते हैं हमें इस तरीके से लगातार रिवर्सल मिल रही है। तो ये सिस्टम यहाँ पर है, इसे हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक अनोमली या फिर निगेटिव मैग्नेटिक अनोमली बोल सकते हैं। ये बीच में जो है क्रस्ट ऑफ द जो ओशियन रिज है वो है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कहानी के रूप में कि हैरी हेस पहुँचे तो थे, सब कुछ देखा था इन्होंने, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्सप्लेन नहीं कर पाने के कारण से इस कंसेप्ट को थोड़ा सा शिफ्ट मिल गया, मतलब कि इसको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन फिर हमारे दो साहब लोग आए जिनका नाम है मैथ्यूज़ एंड वाइन। इन्होंने इस पूरे के पूरे पैटर्न को देखा और पैटर्न को देखने के बाद इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस पूरे के पूरे पैटर्न को इन्होंने कॉपी पेन, मतलब कि ऑब्वियसली इसे लोकेट किया और उन्होंने कहा कि देखिए हैरी हेस वाज राइट, ये सही थे। और इन्होंने जो भी ये सिस्टम बनाया है बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि समय के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इन्होंने अपने आप को वेरिएबल बना रखा है, मतलब इसमें वेरिएशंस देखने को मिल रही है, यानी कि समय के साथ इसकी डायरेक्शन जो है वो स्विच कर रही है फ्रॉम इट्स करंट डायरेक्शन टू द अपोजिट डायरेक्शन। तो रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन हमें देखने को लगातार मिल रहा है। जब ये मटेरियल जो कि मेंटल से निकल रहे होते हैं, एक तरीके से वोल्केनो आप बोल सकते हैं, जब ये आगे निकलते हैं कूल होते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। एंड इट इज़ बिकॉज मैग्नेटाइट इज़ द बसाल्ट इज़ अ स्ट्रांगली मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड अगर रहेगा और ये प्रॉपर्टी रखेगा मैग्नेटिज्म की तो सीधी सी बात है ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। वाइन एंड मैथ्यूज़ ने नोटिस किया कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें देखने को मिल रही है अलॉन्ग द मिड ओशियनिक रिजेस जो कि अटलांटिक ओशियन में मिल रही है। इन एडिशन, जब ये बसाल्ट ऑफ द सी फ्लोर दे वर फाउंड टू बी द सेम एज ऑफ द डिफरेंट सिमिलर डिस्टेंसेस, मतलब कि एक सिमेट्रिकल नेचर हमें देखने को मिल रहा है जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। इसके रीज़न के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए जो वोल्केनिक इरप्शंस बेसिकली निकल रही है, सॉलिडिफाई हो रही है, वो बेसिकली दोनों डायरेक्शंस में हो रही है। मटेरियल एक है, कंटेंट एक है, मिनरल भी एक ही है, उस समय की मैग्नेटिक पोलैरिटी भी ऑब्वियसली एक ही रही होगी। तो सिंगल मटेरियल में सिंगल आइटम ही तो रहेगा। यहाँ पर आप रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी तो सिंगल मटेरियल पे आप नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि एक समय पे जब वोल्केनिक इरप्शंस हुई तो वहाँ पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके अकॉर्डिंगली ये अपना वेरिएशंस आ गई। फिर जब मैग्नेटिक पोलैरिटी चेंज होगी और नया वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उस समय नया चीज़ आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी इरप्शंस होंगे और उस समय की एग्जिस्टिंग फील्ड लाइन, इसे एक बैंड्स ऑफ द मैग्नेटिक पोलैरिटी देते जाएंगी। अब ये चूंकि अटलांटिक के बारे में बात हो रही है तो ये नॉर्थ साउथ में, और नॉर्थ साउथ के हिसाब से ही यहाँ पर पैरेलल बैंड्स बनते जाती हैं। वाइन एंड मैथ्यूज ने इस ओशियन फ्लोर को मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर के नाम से बोला, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फील्ड लाइंस में कुछ भी चेंज आती है वो एक रिकॉर्ड हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो है एरिया एक मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर टाइप का है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन, जो भी जियोमैग्नेटिज्म पैलियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड हो सकती है। जो क्वेश्चन पूछे आते हैं देखिए बहुत ही बेसिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं कि पैलियोमैग्नेटिज्म पे एक शॉर्ट स्टडी लिखिए, या फिर वाइन एंड मैथ्यूज की कौन सी थ्योरीज थी, इनसे रिलेटेड थ्योरीज आ जाती हैं। तो स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर प्रॉब्लम होती है तो पहले तो आप बेसिक स्टडी बेसिक वाली वीडियो देख लीजिए, जो कि यहाँ पर सजेशन में भी आ रहा होगा। इसके अलावा आप फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज़ करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।